बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक स्टूडेंट। बात कर रहे थे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन के ऊपर, और ये है हमारे पास 13 का लेक्चर नंबर बी है। ठीक है, तो आपके ए तो हमने कवर कर लिया, और अब जो होगा वो आपके पास क्या होगा, इसका बी पार्ट। और अब हमें नाम दिए होंगे और स्ट्रक्चर हमें क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। जैसे पहला स्ट्रक्चर गिवन है 1-pentyne का। क्या, किसका गिवन है? 1-pentyne। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे। पेंट का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो सबसे पहला काम ये करो कि आप 5 कार्बन लगा दें, 1, 2, 3, 4, और ये हो गया 5। तो ये हो गया आपके पास 5 कार्बन। जब आप 5 कार्बन लगा देंगे तो फर्स्ट नंबर पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर है और यहां पर आप लगा दीजिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और बाकी आखिरी काम क्या करना होगा, बाकी हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा दें। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, और जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए तो तब आपने हाइड्रोजन की वैलेंस, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। सर यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं तो 4th बॉन्ड हाइड्रोजन से बना होगा, यहाँ पर 3 और 1 4 हैं, यहाँ 2 बॉन्ड हैं तो 2 बाकी हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 हैं तो बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 1 है तो बाकी 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब सेकंड क्या है, 2-methyl-1-pentyne। अब सबसे पहला काम ये देखा कि पेंट है, पेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि 5 कार्बन लगा दीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 4, और ये हो गया आपके पास 5। तो 5 कार्बन, पहला काम तो आपने ये किया कि 5 कार्बन लगा दिए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने देखा कि सेकंड नंबर पर ब्रांच है वो किसकी है, मिथाइल की। तो सर ये सेकंड नंबर है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये सेकंड नंबर है, तो यहाँ पर एक अदद CH3 की क्या मौजूद है, ब्रांच मौजूद है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पर क्या मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट नंबर पर है। आखिरी जो काम करना होगा, बाकी हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा दिए, और आखिर में कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से आपने कंप्लीट कर दी। सर यहां पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन गए हैं, तो यहां पर 1 बॉन्ड होगा, यहां 3, और अच्छा एक सेकेंड, ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर। तो यहां पर 2-methyl नहीं होगा, बल्कि यहां पर 3-methyl होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर ये 2-methyl होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी जो होगी वो 5 हो जाएगी, तो इसको काइंडली हम क्या करेंगे, 3-methyl करेंगे। तो 3 पे लगा देंगे इसको, ये मिथाइल जो है वो आपके पास कहां पर है, 3 पर है। ठीक है, इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है। अच्छा, अब अगर इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो कंप्लीट है 3 और 1 4, इसकी भी कंप्लीट है 1 2 3, और रिमेनिंग रह गई 1, 1 और 1 2, रिमेनिंग रह गई 2, 1 और रिमेनिंग कितनी रह गई आपके पास, 3 रह गई। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो इस तरीके से आपको कोई भी नाम दिया जाएगा अल्काइन फैमिली से रिलेटेड, आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। लेट सपोज अगर आपको दे दिया जाए 1, 1, 3-1, 3-butadiene, ठीक है, तो 1, 3-butadiene का मतलब यह है कि सबसे पहले आपने देखा कि क्या मौजूद है, ब्यूट। ब्यूट का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, कितने हैं 4, यानी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, ये हो गए 4 कार्बन। अब फर्स्ट नंबर पर और थर्ड नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, कितने फंक्शनल ग्रुप है, डाई का मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ये होगा फर्स्ट नंबर पर फंक्शनल ग्रुप यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये होगा सेकंड, और ये होगा थर्ड, तो थर्ड नंबर पर भी क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हो गया 4। ठीक है, आखिरी काम क्या करना होगा, बाकी हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, या बाकी हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा दिए, और अब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। जैसे इसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए, तो आखिरी बॉन्ड कौन बना रहा होगा, हाइड्रोजन। यहाँ 3 और 1 4 बॉन्ड बने हुए, यहाँ 3 और 1 4 बॉन्ड बने हुए, और यहाँ पर 3 और 1 बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, सही है? तो ये हो गया आपके पास 1,3-butadiene का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगर लेट्स सपोज कि एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास गिवन है, आपके पास है 2-methyl, 2 पर जो है वो क्या है, आपके पास मिथाइल है, देन अच्छा इसको यूं कर देते हैं कि 4-methyl-2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है आपके पास 6, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है, तो अगर ये कंपाउंड के मैंने 4-methyl-2-hexyne, ठीक है, तो इसको नाम देने का तरीका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 हैं। ठीक है, तो अगर 6 कार्बन है तो ये होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया आपके पास
सिक्स, तो टोटल कार्बन कितने होगा, सिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब टोटल कार्बन सिक्स है तो आपके पास सेकेंड नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो ये आपके पास सेकेंड नंबर होगा, तो सेकेंड नंबर पर क्या मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर मिथाइल मौजूद है, तो ये 4 है और यहां पर क्या मौजूद है, मिथाइल। और आखिरी काम क्या करना है आपने, कार्बन की वैलेंसी को बाकी हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा देने हैं, आपने हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगा दिए, और जो आखिर काम करना है वो ये करना है कि कार्बन की वैलेंसी को 4 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हुए, 1, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड आएंगे, 3 आएंगे, यहाँ 3 और 1 4 ऑलरेडी है, यहाँ 3 और 1 4 ऑलरेडी है, यहाँ 1, 2, 3 है तो 1 बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 बॉन्ड और आ जाएंगे, यहाँ 1 है तो 3 बॉन्ड और आ जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, विच इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन का। इसमें आपको जो है वो स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, उसका आपको नाम लिखना होगा, या फिर आपको नाम दिया जाएगा उसका, आपको स्ट्रक्चर क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Thank you.